नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इंस्टाफीड में। मैं हूं दीपाक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड का बॉलीवुड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर रफ्तार से। सुशांत सिंह राजपूत केस में जो ड्रग्स एंगल सामने आया, उसमें रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब रिया चक्रवर्ती को मेडिकल टेस्ट के लिए लाया जाएगा, इसके बाद रिया को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। वहीं एनसीबी उनके रिमांड की मांग करेगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ ही ड्रग्स मामले की जांच के आदेश दिए हैं। रिया चक्रवर्ती तीसरी बार एनसीबी के सामने पेश हुई थी। उन्होंने पहली बार इस बात को कबूला है कि वो ड्रग्स लिया करती है। इससे पहले रिया ये कह रही थी कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स नहीं ली। अक्षय कुमार डिस्कवरी चैनल के कार्यक्रम इंटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स के आने वाले एपिसोड में शो के होस्ट बेयर ग्रिल्स से बातचीत करते हुए नजर आएंगे, जहां वो कहेंगे कि मेरा बेटा काफी अलग है। वहीं किसी को भी ये नहीं बताना चाहता है कि वो मेरा बेटा है। वह मीडिया से दूर रहकर खुद की पहचान बनाना चाहता है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के फेमस कॉमेडी एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। जयप्रकाश रेड्डी ने आज सुबह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अपनी आखिरी सांसें ली है और उनके जाने पर तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू ने शोक जताया है। संजय रावत कंगना रनौत के विवाद के बीच अब करणी सेना ने मुंबई में एक्ट्रेस को सुरक्षा देने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि वो 9 सितंबर को कंगना को मुंबई एयरपोर्ट से उनके घर तक सुरक्षा प्रदान करेगी। बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस को सील कर दिया है। उनके नोटिस में कहा गया है कि कंगना का ऑफिस बीएमसी को दिए गए नक्शे के मुताबिक नहीं है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर पर सुशांत की बहन श्वेता ने ट्वीट कर कहा है कि कोई भी चीज हमें नहीं तोड़ने वाली है, एक झूठी एफआईआर तो बिल्कुल भी नहीं। लॉकडाउन के बीच गरीब स्कूली बच्चों ने सोनू सूद से मदद की मांग की है। बच्चों का कहना है कि उनके गांव से स्कूल तक जाने वाली सड़क मिट्टी की है, वहीं बीच में दलदल और नदी भी है। सड़क बनाने के लिए पीएम कार्यालय और सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। बिग बॉस के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। शो में रन टाइम को लेकर बड़ा बदलाव किया जा सकता है। निर्माता इसके रन टाइम को 1 घंटे की बजाय 1/2 घंटा करने की योजना बना रहे हैं। InstaFeed.